ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है, ये ऋषभ फैंटा है जी, ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया पकड़ के गुजरात टाइटंस का। आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को, भाई छक्के मार मार के उसने भूसा निकाल दिया है भाई। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। ऋषभ फैंटा ये बड़ा दलेर प्लेयर है, इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मारा था, पुठी स्वीप है ये मार लेता है और बैट की स्वीप है ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है, डरता नहीं है और क्या बात है इसकी। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच था इसने, तो आखिरी 3 यानी 18 बॉलों में 67, 12 बॉलों में 53, आखिरी ओवर में 31, 19वें ओवर में 22, ये है वन एंड ओनली ऋषभ पंत। किधर गए वो मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, बेटा इस तरह बैटिंग करनी होती है, ये इस तरह करनी होती है। वो किधर गया वो मौलवी रिजवान, वो एक्टर जो भाग गया सीरीज से ही, तो मैं तो इंजर्ड हो गया हूँ बेटा, विकेट कीपर तो इसे कहते हैं जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है। और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया, वो हाथ का छूट जाना फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो MS धोनी की तरह जाए ये घुमा के छक्का मारना, कॉन्फिडेंस देखें ऋषभ पंत का, ऋषभ पैंटा के नाम होने चाहिए, अब इसका नाम ने ऋषभ पैंटा रख दिया, ये बहुत मारता है भाई। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन इसके ऊपर। पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। और वो सोच रहा है कि भाई मैं, मुझे क्यों तोड़ा, मेरा क्या कसूर था जो मुझे छक्का चौका फिर छक्का फिर छक्का और फिर छक्का, इतने छक्के कौन मारता है यार। तो ऋषभ पंत कमाल कर दिया आज जी, जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात टाइटन दे वर क्रूजिंग, दे वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम, मतलब 5-6 ओवरों में 44-45 ये पावर प्ले गया है और आखिरी 2 ओवरों में 50 के ऊपर काम डल गया, आखिरी 2 ओवरों में फैबुलस हिटिंग, स्टंप्स भी बड़ा अच्छा साथ दिया, 7 गेंदों पे 26 रन, 2 छक्के, 3 चौके और क्या चाहिए। अक्षर पटेल की आज प्रमोशन की, उसने भी अच्छी इनिंग खेल के गया, वो 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के साथ वो इन्वॉल्व था ऋषभ पंत के साथ और फिर उसके आउट होने के बाद अच्छा हुआ जी स्टब्स भी आ गया, क्योंकि स्टब्स हमें पता है कि बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत तेज खेल रहा है और इस पूरे IPL में स्टब्स ने अपना जलवा दिखाया हुआ। इट्स नाइस फॉर दिल्ली कैपिटल, इट्स नाइस फॉर स्टब्स, इस बंदे में दम है, ये चौके मार सकता है, ये छक्के मार सकता है, तो देयर इज नो रीजन कि आप इस तरह खेल के जाएं। आज देखें बिल्कुल बब्बर शेर की तरह कैसे आखिरी ओवरों में उसको तोड़ के रख दिया, 44 में 3 आउट थे, इट टर्न आउट टू बी अ मास्टर स्ट्रोक के अक्षर को जो ऊपर भेजा उसने तो रगड़ के रख दिया, जैसे साबुन से उसके बाद आप कपड़ों की धुलाई करते हैं, रिजवान साहब उसने रगड़ के रख दिया, इतनी शानदार बारी, 150 का स्ट्राइक रेट, यू विल टेक बिकॉज यू आर 44 for 3। तो आखिरी 3 यानी 18 बॉलों में 67, 12 बॉलों में 53, आखिरी ओवर में 31, 19वें ओवर में 22, ये है वन एंड ओनली ऋषभ पंत। तो भी ऋषभ पंत में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्ट में फाड़ रहा हो और T20 में छोड़ देगा, ये उसका पुनर्जन्म हुआ है, वो वापस आ रहा है, उसे थोड़े से टाइम दें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 31 रन मोहित, मोहित कोई गली में लेगा, कोई चूजा पीता हुआ, कोई ग्राइव वाटर पीता हुआ बच्चा नहीं है, कोई गोद में लेके इसको फिटर नहीं दिया हुआ, टॉप का पिछले साल बॉलर था, 31 रन में 4 छक्के, एक जनाब वाइड है, एक दुखी है, एक चौका है और 67 रन, 18 बॉले, 53 रन, 12 बॉले, 22 रन, 6
छह वाले चौका छक्का फिर चौका तो फिर छक्का, तो उसने भी तो बुरा हाल कर दिया और फेबुलस हिटिंग हुई है बिल्कुल दिल्ली का क्राउड क्लीन हिटिंग क्लीन प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थी भाई यार और पंत तो धोखे रख दिया। मजा आ गया जी एंड पे जो पंत ने खेला। ये इसी तरीके से ही ये खेलता था जब दिल्ली ये 2018 में आया था आईपीएल में, इसी तरह मार मार के टीमों का बुरा हाल करता था। इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक किया गया था टीम इंडिया में कि भाई ये बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर है, तो अभी वो झलक नजर आ रही है, मेहनत करके आया हुआ, अब इस तरह का खेले तो टीम इंडिया में अब कोई क्वेश्चन करेगा। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया पकड़ के गुजरात टाइटंस का, आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को भाई छक्के मार मार के, उसने भूसा निकाल दिया है भाई, भूसा निकाल दिया नेहरा साहब का, 31 रन ऋषभ पंत ने मारे। और ये वो ऋषभ पंत है जिसका कमबैक या जिसने अपनी वो इंसिडेंट के बाद अभी आईपीएल में क्रिकेट का कमबैक किया है। लग रहा है ये बंदा भाई, मैं लिख के देता हूं कहीं चिपका लो लगा लो इस बंदे को, अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए वर्ल्ड कप में, ये वर्ल्ड कप की पक्की 11 में होना चाहिए। 2018-2019 वाला ऋषभ पंत देखा है, खुदा की कसम ये वो ऋषभ पंत है, ये वो ऋषभ पंत है भाई, इसकी रेंज में बाल दो, इसकी रेंज से बाहर बाल दो, ये छक्का ही मारेगा, ये मैंने वो ऋषभ पंत देखा है। ये वो ऋषभ पंत है जिसने 35 बालों पे 49 रन थे, फिनिश किधर किया है 43 बालों के ऊपर 88, 8 छक्के 5 चौके 204 का स्ट्राइक रेट। किधर गए वो मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, बेटा इस तरह बैटिंग करनी होती है, ये इस तरह करनी होती है। वो किधर गया वो मौलवी रिजवान वेक्टर जो भाग गया है सीरीज से ही, तो मैं तो इंजर्ड हो गया हूं बेटा। विकेट कीपर तो इसे कहते हैं जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है, विकेट कीपर तो इस तरह खेलते हैं जिस तरह ऋषभ पंत खेला है, उसको जौन सा मर्जी नंबर दे दो, उसको जौन सा मर्जी बॉलर दे दो, वो बजा देगा पकड़ के। 31 रन मोहित शर्मा को बेटा चार ओवरों में, सॉरी आखिरी ओवर में पड़े हैं, 73 रन अगला खा गया चार ओवरों में। ये वो मोहित शर्मा जो लास्ट ईयर का हाईएस्ट विकेट टेकर था, मोहित शर्मा बड़े दिमाग से बॉलिंग करता है। मोहित शर्मा ने यार्कर करने की कोशिश की है, मुंह पे मारने की कोशिश की है, रेंज से बाहर बॉल करने की कोशिश की है, ऋषभ पंत ने छक्का ही मारा है। मैच देखो, अगले का गैप देखो, क्रिकेट में कितने गैप के बाद वो आ रहा है, एक साल से भी ज्यादा का गैप है, 1.5 साल के गैप के बाद वो आया है और आते साल उसने आईपीएल में जो तबाही मचाई है, मैं सर पकड़ के बैठ रही हूं बेटा। ऋषभ पंत ने जो आज बैटिंग की है ना दिल्ली के लिए, 224 रन उसने मार दिए हैं बेटा, और ऊपर से अक्षर पटेल ने। कुछ अरसा ऋषभ पंत क्रिकेट से दूर रहे, हर बंदे ने ये सोचा कि शायद वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ऋषभ पंत की जो वापसी होगी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत बॉलर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, अगर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। आखिरी ओवर मोहित शर्मा का जिसमें 4 छक्के ऋषभ पंत ने लगा दिए, 31 रन 6 बालों पे लगा दिए, पहले बॉल पे 2 रन, दूसरा बॉल वाइड, उसके बाद जो है वो छक्का चौका छक्का छक्का छक्का, और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया। वो हाथ का छूट जाना फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो एमएस धोनी की तरह जो ये घुमा के छक्का मारना, कोई ऐसा शॉट ऋषभ पंत इस एक्सीडेंट से पहले खेला करते थे और आज उन्होंने नहीं खेला। और क्या कमाल की यार बैटिंग की है, आप देखें 43 बॉले 88 रन 5 चौके 8 छक्के, 204 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया जनाब ने, 204 के स्ट्राइक रेट से। अक्षर पटेल 43 बॉले 66 रन 5 चौके 4 छक्के, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली है। और साथ में स्टब्स ने 7 बॉलों में 26 रन 3 चौके 2 छक्के 371 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जितना मजा ऋषभ पंत की बैटिंग देख के आया ना, इतना मजा किसी की बैटिंग देख के नहीं आया, और वही जो आप पुराने वाला ऋषभ पंत हमें देखने को मिला, डेंजरस, जिसने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया में।